जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय जिनेन्द्र। सभी मित्रों का एक और बार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। चर्चा करते हैं हम यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल के बारे में, क्या हो सकता है। तो हम जो है वो यहाँ पर हो सके उतना जो है वो रेजिस्टेंस के बारे में ही चर्चा करेंगे। 149 के आसपास जो है वो एक रेजिस्टेंस है, अभी नज़दीक का एक रेजिस्टेंस अगर हम देखना चाहें तो। एक दायरा बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 149 से लेके जो है वो 158, ये वाला एरिया जो है वो दोस्तों हमें ध्यान में रखना है। मतलब 148 के ऊपर 2-3 घंटे रुकता है तो 158 की संभावनाएं बढ़ सकती है। उसके ऊपर कोई नई तेजी स्टार्ट होने की उम्मीद है, मतलब नई तेजी अगर इसको शुरू करनी है तो मेरे हिसाब से 158 के ऊपर रुकने के बाद, क्लोजिंग करने के बाद कुछ हो सकता है। तो बड़ा जो लेवल बनेगा दोस्तों हमारा, वो बनेगा 158 का, ये हमें ध्यान रखना है। बात कर लेता हूँ क्रूड के बारे में। क्रूड ऑयल के अंदर जो है वो हमने चर्चा करी थी, 7025 का एक अहम लेवल है पिछले वीक के अंदर, कि वो लेवल अगर टूटता है तो एक अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। तो लगभग लगभग वो लेवल से भी 200 पॉइंट का करेक्शन जो है वो हमने देख लिया। अब यहाँ पर जो है वो आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताने की कोशिश करता हूँ। बड़ा रेजिस्टेंस जो है वो 7120 के आसपास है, तो मतलब जब तक 7120 के नीचे रुका रहेगा तब तक जो भी आएंगे वो हम मान सकते हैं कि खाली उछाल है, तेजी नहीं है। तेजी स्टार्ट हो सकती है 7120 के ऊपर। बड़ा सपोर्ट आपको बताने की कोशिश करता हूँ। छोटे छोटे जो सपोर्ट है दोस्तों, वो सुबह 10:30 बजे के आसपास जो वीडियो आता है उसके अंदर हम जरूर चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए सपोर्ट जो है वो 6835 के आसपास हम ध्यान में रखेंगे। अगर हम 6835 का लेवल जो है वो काट के नीचे रुकने की कोशिश करते हैं तो ये जो करेक्शन स्टार्ट किया था 7025 से, वो करेक्शन थोड़ा सा और बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर जो है वो हम ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये दो बड़े लेवल हो गए, बड़ी रेंज हो गई, छोटी रेंज, छोटे सपोर्ट, छोटे लेवल जो है वो मंडे टू फ्राइडे जो हम 10:30 बजे के आसपास मिलते हैं वीडियो के माध्यम से, वहां पर हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना पहली बार आए हो तो। यह वीडियो के माध्यम से हमने जो भी चर्चा करी है वो एजुकेशन के लिए, मार्केट को सीखने समझने के लिए है। इसके ऊपर आप ट्रेड करो उससे पहले आप जो है वो अपने साइड पर जरूर चेक कर लीजिएगा, फिर आप अपना ट्रेडिंग का डिसीजन ले सकते हो। वीडियो में बने रहे इसके लिए सभी मित्रों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।